हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि आखिर अंडकोश का साइज़ बड़ा या फिर छोटा क्यों हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिन्हें लगता है कि उनके अंडकोश का साइज़ जितना नॉर्मली था पहले, अब उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, या फिर कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनको लगता है कि उनके अंडकोश का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। तो आखिर ये समस्या क्या है, इस समस्या के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि अंडकोश का नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए या फिर छोटा और बड़ा होने से अंडकोश की क्या समस्याएं आती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आपके अंडकोश का या फिर किसी के अंडकोश का साइज़ बड़ा क्यों हो जाता है। तो देखो, लिखा हुआ है कि अंडकोश का आकार बढ़ने की स्थिति को हाइड्रोसील कहा जाता है। यह तब होता है जब इसमें अधिक पानी जमा हो जाता है। कह रहा है कि जब किसी के अंडकोश का आकार बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उस पुरुष को हाइड्रोसील की समस्या हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये हाइड्रोसील क्या होता है। वैसे तो हाइड्रोसील के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो हाइड्रोसील का मतलब बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ तो पानी भर जाता है, जिस कारण से जो साइज़ होती है अंडकोश की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी हाइड्रोसील की स्थिति में आपको दर्द भी होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि अंडकोश का आकार बढ़ने की स्थिति क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहा जाता है। यह तब होता है जब इसमें अधिक पानी जमा हो जाता है, ठीक है, और आकार बड़ा दिखाई देने लगता है। जब ज्यादा पानी जमा होगा तो स्पेस जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से आपके अंडकोश का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि अंडकोश छोटे क्यों हो जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, अंडकोश के छोटा होने के पीछे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें सबसे आम समस्या हाइपोगोनाडिज्म है। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये हाइपोगोनाडिज्म क्या है। हाइपोगोनाडिज्म एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो वृषण होते हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के उत्पाद को कम कर देते हैं या फिर बहुत ही नाममात्र उत्पादन करते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। इस स्थिति की वजह से भी क्या हो सकता है, आपके जो अंडकोश का साइज है वो बहुत छोटा हो सकता है। दूसरा कह रहा है, अंडकोश के छोटा होने के कारण वेरिकोसील भी हो सकता है। वेरिकोसील क्या होता है, वेरिकोसेल में भी जो आपके अंडकोश होते हैं ना, उनके आसपास आपको दिखते होंगे उभरी उभरी नसें, तो वो नसें सिकुड़ जाती हैं, बहुत ही नरम हो जाती हैं, जिनके कारण से जब वो सिकुड़ रही हैं और बहुत नरम हो रही हैं, तो साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत आपका छोटा हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है कि अंडकोश के छोटे होने के कारण वेरिकोसेल भी हो सकता है। इसके अंदर अंडकोश के भीतर उभरी नसें, जो उभरी नसें हैं, अंडकोश के सिकुड़ने और नरम होने का कारण बन सकती हैं। उनके ऊपर जो नसें हैं उनकी, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, नरम हो जाती हैं, जिनके कारण से साइज़ उनका बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, जिससे अंडकोश का आकार छोटा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि बड़ा होने की क्या दिक्कत है, मतलब अगर आपके अंडकोश का साइज़ बड़ा हो गया है तो आपको क्या समस्या हो सकती है, और अगर आपको आपका अंडकोश छोटा हो गया है तो कौन सी दिक्कतों की वजह से वो छोटा हो गया है। बड़े होने की दिक्कत क्या थी, हाइड्रोसील, और छोटे होने की दिक्कत क्या थी, आपका वेरिकोसेल और आपका हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मल साइज़ होना चाहिए अंडकोश का, वो अप्रोक्स 4.5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा छोटा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि समस्या और क्या हो सकती है। तो मैंने आपको हाइड्रोसील वाली जो स्थिति थी, हाइड्रोसील यानी कि जब आपके अंडकोश का साइज बड़ा हो गया, तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बट सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेन ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आपका साइज़ ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत चलने फिरने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको दर्द भी होता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि जब छोटा हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत आती है। लिखा हुआ है, अंडकोश अगर 3.5 सेंटीमीटर से भी छोटा हो जाए, 4.5 सेंटीमीटर तो है ही, कि 4.5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक उसकी जो आकार है वो रहना चाहिए, लेकिन अगर 3.5 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु के उत्पादन में दिक्कत हो सकती है। कि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल का, उसमें उसके उत्पादन दिक्कत हो सकती है, और जो पुरुष के शुक्राणु है उनमें भी दिक्कत हो सकती है। अब पुरुष के शुक्राणु में अगर उत्पादन कम हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, पुरुष इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी अगर शुक्राणु के कारण से ही। तो जब शुक्राणु किसी महिला के एग से मिलता है जाकर, तभी तो प्रेगनेंसी हो पाती है। अगर आपके शुक्राणु ही नहीं बन पाएंगे, उनका उत्पादन ही बहुत कम हो जाएगा, तो आप कैसे फादर बन सकते हो। तो शुक्राणु के कम होने से
मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।